बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं कुछ ऐसा डिफरेंट बनाऊं जिसे ना सिर्फ मुझे बनाने में मज़ा आए बल्कि आपको देखने में भी उतना ही मज़ा आए। तो आज ऐसी ही यूनिक सी एक रेसिपी लेके आए हैं, आलू वाले पराठे की। आप कहेंगे आलू वाला पराठा कौन सी यूनिक चीज़ है? भाई यूनिक चीज़ ये है कि इसमें आटा नहीं गूंदना, आपको कोई बेलना नहीं है पराठे को कि गोल बने या कुछ, बल्कि एक सिंपल डो तैयार करनी है, एक लिक्विड डो तैयार करनी है और उसे फ्राइंग पैन में डालकर पराठा बना लेना है। कैसे? उसके लिए आपको चाहिए 2 आलू और उन्हें आपने अच्छे से उबाल लेना है। उबालने के बाद आप उसे ग्रेट कर लें या मैश कर लें। उसके अंदर आपने 2 चम्मच भरकर बारीक कटे हुए प्याज शामिल करने हैं, 1 चम्मच भरकर हरी मिर्च शामिल करनी है, 2 चम्मच भरकर हरा धनिया शामिल कर दें, 1 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें नमक, 1/2 टीस्पून उसमें चिली पाउडर सुर्ख मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून भरकर आप उसमें हरा धनिया का पाउडर डालेंगे और चाट मसाला 1/2 चम्मच और चिली फ्लेक्स वो भी 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर थोड़ा सा हमने उसके अंदर ऐड किया है चुटकी भर, और चुटकी भर ही इसमें हमने एंड पे डाली है अजवाइन। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। एक्चुअली ये स्पाइसी लिक्विड डो आलू वाला पराठा है, आप चाहें तो स्पाइसीज को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं मैदे की तरफ। हमने 1.5 कप मैदा लिया है, आप चाहें तो आटा ले लीजिए, बिकॉज आटा जो है ना वो थोड़ा हेल्दी होता है, मैदा हेल्दी नहीं है। तो आटा ले लें या मैदा ले लें। उसके अंदर आपने 1 चम्मच भरकर डाल दिया घी का और 1/2 टीस्पून उसमें आपने डाल दी नमक और उससे अच्छे से बीटर की मदद से फेंट लें या विस्क ले लें और उसकी मदद से अच्छे से इस आटे को आपने फेंट लेना है, इतना कि इसके अंदर कोई लम्स बाकी ना रहे, गुठली नहीं होनी चाहिए इसमें बिल्कुल भी। और जब आप देखें कि आटा अच्छे से पानी में मिक्स हो गया है, 1 गिलास पानी भर के आपने डालना है इसके अंदर। तो जो उबाल कर आलू वाला जो अभी मसाला आपने तैयार किया था ना, वो इसके अंदर डाल के उसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। अब एक फ्राइंग पैन ले लें, उसे अच्छे से ग्रीस कर लें ऑयल के साथ या घी ले लें। फिर ये लिक्विड डो जो है ना, ये चम्मच की मदद से आपने उस फ्राइंग पैन के अंदर फैला लेनी है। इसे कोई रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये लिक्विड डो आपने वहाँ पर मिक्स करके रेडी की, वैसे ही आप फ्राइंग पैन को चूल्हे पर रखें और बना लें पराठा। ये देखें, अच्छे से आपने फ्राइंग पैन गर्म है, साथ ही देख लें कलर चेंज करना साइड से शुरू हो गया। फ्राइंग पैन में ये डालकर आप चम्मच की मदद से इसे फैला लें। हल्का सा जब ये चिपक जाएगा ना फ्राइंग पैन के साथ, तो ऊपर वाला जो कच्चा हिस्सा है उसे आप मज़ीद फैला दें। मतलब अकॉर्डिंग, वही बात है कि अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, क्या आप चाहते हैं तो मोटा पराठा रखना या आप चाहते हैं तो बारीक पराठा रखना, आप अपनी मर्जी के साथ उसे थिन या थिक कर सकते हैं। अब हल्का सा ऊपर मैंने इसके दोबारा घी लगाया है और फ्राइंग पैन को आपने हिला के देखना है, इजीली छोड़ देगा। नॉन स्टिक अगर आपके पास फ्राइंग पैन या तवा है ना, तो आप बहुत ईजी रहेंगे इसमें। आप हिलाएंगे, आराम से ये हिल गया है और 2 से 3 मिनट ये पकने पे लेगा, लो से मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट इसको लगेंगे पकने में। तो जब ये 2 से 3 मिनट लगा के पक जाए, तो आपने क्या करना है, इससे किसी भी प्लेट पे ये बिल्कुल सीधा सीधा पराठा निकल आया और इस प्लेट को आपने वापस पलट देना है उसी फ्राइंग पैन में, तो आपका पराठा पलट गया। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते हो तो आप बड़ा सा चम्मच ले लें, उसके ऊपर इसको डालें चावलों वाला चम्मच और इसको पलट दें जैसे आपको इजी लगे। ये देखें, इजीली जैसे आप पराठा बनाते हैं ना वैसा ही बनेगा, लेकिन ये थोड़ा सॉफ्ट बनेगा। इनफैक्ट बहुत अच्छा सॉफ्ट सा टेस्टी सा इसका एक टेक्स्चर होगा। ये देखें कितना अच्छा ऊपर से ये पक चुका है, अब दूसरी साइड से भी इतना ये पकेगा तो ये बिल्कुल तैयार है। ये नहीं भाई, मिनटों में हमारा पराठा तैयार है। इसमें वो चक्कर ही नहीं है ना, गूंद के रखें उसको, फिर उसको रेस्ट दें थोड़ी देर के लिए, फिर उसे बेलें, फिर उसका पराठा बनाएं, अब गोल नहीं हुआ, अब मोटा रह गया है, वो चक्कर ही नहीं है। ये देखें भाई कितने मज़े के पराठे हमारे आलू वाले रेडी हो गए हैं।
आज की ये रेसिपी यूनिक थी या नहीं आपने मुझे ज़रूर बताना है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।